अतारी के कोक के कोई मोल नहीं है। 9 महीना अपन गर्भ में हमला पाल थे, प्रसव के पीड़ा ला झेल थे, तब हम ये दुनिया में आथन। ता ओ महतारी के ख्याल रखना, ओकर ध्यान रखना, ओल अच्छा व्यवहार देना, अच्छा माहौल देना जरूरी है ना दीदी, जरूरी है ना। हाँ, ता ये बात ला बताए बर और ये बात ला समझाए बर NIT रायपुर के हम लड़का मन हाँ अभिनय द ड्रामेटिक क्लब आपके सामने प्रस्तुत करता है एक स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक हिमाचल बीच। हो गया भाई भोग।
जाती वो किसी और के साथ। हाँ मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। नहाने के लिए ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल न करें। हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ पानी से ही नहाएं। त्वचा को नम रखें और नम रखने के लिए आप सभी ढेर सारा पानी पिए। और हाँ एक और बात, दिन में दो बार, कितने बार? दो बार ब्रश या दांतों अवश्य करें। इससे आप सभी के दांतों में जो कीटाणु है वो कम से कम रहेंगे और आप सभी स्वस्थ रहेंगे। गर्भावस्था में गीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़ों को प्राथमिकता दे, भारी वजन ना उठाए और सीढ़ी पे चढ़ना उतरना मना करें। आठवें महीने से नियमित रूप से योग करें और योग करने से पहले डॉक्टर या फिर जाने माने कोई योग गुरु या फिर मितानिन से सलाह जरूर लें। खुद से कुछ भी ना करें और धार्मिक एवं सांस्कृतिक किताबें पढ़ें। इससे आने वाली संतान पर अच्छा असर पड़ेगा और हो सकता है कि मेरे जितना अच्छी संतान भी पैदा हो जाए। गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद माँ और बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ना कि सिर्फ नए माता पिता की बल सबकी हम की कि उनका ध्यान रखा जाए।
माँ को प्रॉपर पोषण दे, उनको संतुलित आहार दिया जाए। माँ को जो बच्चे को पोषण होता है वो माँ से ही मिला जाता है। तो अगर माँ संतुलित आहार नहीं देगी तो बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपनी गर्भावस्था के दौरान अपना ख्याल रखें, आरामदायक माहौल बनाए अपने लिए और खुश रहे। दीदी दाई और बहिनी मन ये बात ना अच्छा से गांठ बांध के समझ लो। हम यही बात बताए बार आए कि गर्भावस्था में ख्याल कैसे रखना है। तो हमन जेन जेन बात ना बता हन वो अच्छा से ध्यान रखो, परिवार में अच्छा माहौल बनाए रखो और खास करके अपन पोषण के अच्छा से अच्छा ध्यान रखो। हमन ला कुछ टर्म्स में पता चले है कि गर्भ के शुरुआती दिन और आखिरी कुछ महीना सातवा और आठवा में गर्भपात के ज्यादा केस मिलते हैं, जेकर बारे में हम अना खोज कर रहा था। तब ओकरे बारे में आपसे आज हम बात करबो। तब ओ महीना में ज्यादा ध्यान देना है और आखिरी के महीना में योग और जे एक्सरसाइज वगैरह है तेला करना है, लेकिन बोला खुद से नहीं करना है, कोई योग गुरु या देव मितानिन हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगी, वहाँ से सलाह लो का खाना है, का पीना है, कैसे रहना है और जितना हो सके स्वच्छता के ध्यान रखना है और घर के अच्छा माहौल और पति के पूरा समर्थन होना चाहिए ताकि पत्नी का मानसिक सपोर्ट मिले। शारीरिक तो सब कर लेते हैं लेकिन मानसिक सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 9 महीना में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप एक पड़ाव को जीते हैं और उस पड़ाव में जीवन साथी जब आपके साथ हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। जय लवली, जय लवली।